तो आप देख सकते हैं कि ये अपने हस्बैंड यानी मुझसे ज्यादा गोरा होने के लिए क्या क्या कर रही है। ये स्क्रब से घसे जा रही है, 10 मिनट से, पिछले 10 मिनट से घसा घसी किए जा रही है। मतलब आज जो है गोरा बन ही जाना। और ये देखिए ये घसने वाली लड़की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसेस इंडियन ब्लॉग। आप सबको स्वागत है हमारे इस न्यू ब्लॉग में। और आप देख सकते हैं लोग मैं क्या कर रही हूँ। मैं कुसुम से स्क्रब करवा रही हूँ। उसको 4-5 दिन से बोल रहे थे करने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए नहीं कर पा रहे थे। आज हम लोग जल्दी जल्दी काम कर चुके, खत्म कर चुके हैं। और थोड़ा सा फ्री बैठे हुए थे, इसको बोले कर दो तो कर रही है। और हमको भूत बनाई हुई है जिसके कारण ये चिल्ला रहे हैं। इनका लक्ष्य है अपने पति से गोरा और लंबा होना, जो कि संभव नहीं है। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, हम मुझसे ज्यादा गोरा आप नहीं हो सकते हैं। ये गोरा के लिए नहीं करते हैं हम, ये सिर्फ क्या बोलते हैं जो काला काला स्पॉट हो जाता है ना, इसके लिए। तो वही तो काला कर देता है फेस को। चलिए, मेला घूमने की तैयारी अच्छे से चल रही है। मैं भी आज है कौन सा तीसरा संडे है, जो कि आज फिर से सावन मेला लगने वाला है। आज हम लोग शाम में सब कोई जाएंगे। आप कुछ कहना चाहती है? पहले मैं लोटस का स्क्रब यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है। क्यों करती हो? वो भी बोल दो। और ये हम जहाँ पार्लर सीखते हैं मतलब सबसे अच्छा स्क्रब होता है। आप जो भी देना दे सकती हैं। ऐसे तो नेचुरल होता है, चावल का स्क्रब तो नेचुरल होता है, चावल का, संतरा का, छिलका का, ये सब बहुत अच्छा स्क्रब होता है। चीनी का भी होता है, चावल का, चीनी का। हम उनको पार्लर से भी बोला था सीखते तो हम। वो झंझट उठना कौन पालता है, चावल का आटा। इसीलिए लोटस का यूज कर रहे हैं, व्हाइट ग्लो खरीद के लिए आता है अपना, डायरेक्ट बना बनाया कर लो, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगता है। चावल को धो फिर उसको बनाओ, इसके कारण ये बना बनाया। ठीक है, तो इसको यूज करने के बाद जेल लगा लीजिए, जेल लगा मिट्टी तो और भी ज्यादा फायदा होगा। मैं यही वाला स्क्रब यूज करती हूँ। देख सकते हैं कैसे अभी कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए अभी कैसी है, भूतनी लग रही है, लेकिन धोने के बाद ये गोरी गोरी लगेगी, जैसे कि लगेगी 17 साल की लड़की हो। ठीक है, वो भले ही बुढ़ी है लेकिन 17 साल की लगेगी। मैं बुढ़ी नहीं हूँ, आप अपना खुद को बुढ़ा। आप इसके फिल्टर वाले स्क्रीन पे ना जाएं, फिल्टर वाले स्क्रीन पे ना जाएं। ये पहले से बुढ़ी थी और आज भी बुढ़ी ही है, लेकिन ये भून रही है कि चाहे कितना भी फेस कर ले, फेसियल कर ले, ये बुढ़ी से जवान नहीं हो सकती है। आप भी जानते हैं कि गधा को चाहे कितना भी तेल मालिश कर दे, वो घोड़ा नहीं बन सकता है। समझ रहे हो? एक बात बोलो, समझ रहे हो आप? मैं बुढ़ी नहीं हूँ, ठीक है। आप बुढ़ा है तो इसलिए आप मेरे साथ कंपेयर करते हैं ना कि तुम भी बुढ़ी हो जाओ, हम बुढ़ा हैं। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि मैं बुढ़ा हूँ? आप मुझे देखिए और इन्हें देखिए, देख कर क्या लगता है कौन ज्यादा बुढ़ा है? इंडियन फ्लैग हम बनाए हैं। इंडियन फ्लैग आपने बनाया है, क्या कुछ कहना चाहती हैं आप इंडियन फ्लैग के बारे में? बोलिए क्या कहना चाहती है, कैसे बनाई आप? हाँ वो देखिए, वो ब्लैक कलर के टी शर्ट में जो पतरकी है, वही आप है बुआ की कुसुम दीदी, जो कि मुस्कुराने बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, देख सकते हैं मुंडी झुका झुका कर। नॉट योर, हम लोग अभी तक रेडी नहीं है, शाम के 8:30 हो चुका है। और हम लोग जाने से पहले हम लोग तेज पूजा कर रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग मेला में जाएंगे तो कुछ खा नहीं पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि आज हम लोग का सादा खाना है, प्याज लहसुन कुछ खाना नहीं है, तो कुछ खा भी नहीं पाएंगे आइसक्रीम के अलावा। और अगर भूख लगेगा तो आप कल भी खाएंगे आइसक्रीम खाने का मौसम भी देगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल मिसेस रंजन ब्लॉग्स में। और हम लोग जा रहे हैं बोलबम का मेला देखने, चावल का मेला। तो यहाँ बहुत भीड़ हो
एक मेले में, तो हम लोग गाड़ी को ही खड़ा करेंगे और फिर घूमेंगे पूरा मेला, आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ का मेला कैसा होता है। तो यहाँ पर हम अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड घर से जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे फिर बढ़ती जाएगी।